हाई स्कूल टाइम में पढ़ने वाले एक होनेस्ट फूड कटर एक ईमानदार नकलारा की कहानी। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वाज ए पुअर वुड कटर, वहां पर एक गरीब लकड़ी काटने वाला था। ही वेंट टू कट वुड एवरी डे, वह लकड़ी काटने रोजाना जाता था। वन डे, एक दिन, ही वाज कटिंग वुड, वह लकड़ी काट रहा था, नियर ए रिवर, नदी के किनारे। सडनली अचानक हिज एक्स फेल डाउन, उसकी जो कुल्हाड़ी थी वो गिर गई इनटू द वाटर, पानी के अंदर। He began to weep, वह शुरू हो गया रोना शुरू कर दिया उसने, and cried, वह चिल्लाने लगा for help, सहायता के लिए। The god of water appeared, जो पानी के देवता थे वो प्रकट हुए। He brought a golden axe, वह लेकर आए एक सोने की कुल्हाड़ी। The woodcutter refused to take it, लकड़हारे ने उसे लेने से मना कर दिया। Then the god brought a silver axe, तभी देवता लेकर आए एक चांदी की कुल्हाड़ी। He asked the woodcutter to take it, उन्होंने जो लकड़ी काटने वाला था उससे उसे लेने के लिए कहा। He refused to take it also because it was not his axe, उन्होंने उसे लेने से मना कर दिया क्योंकि वह उसकी कुल्हाड़ी नहीं थी। Then the god of water brought his real axe, तभी जो पानी के देवता थे वो उसकी रियल कुल्हाड़ी को लेकर आए। He asked the woodcutter to take it, और उन्होंने जो लकड़ी काटने वाला था उससे कहा कि उसे लेने के लिए। The woodcutter accepted it, जो लकड़ी काटने वाला था उसे उसने उस कुल्हाड़ी को ले लिया। द गॉड वॉज प्लीज, जो पानी के देवता थे वो प्रसन्न हो गए विथ हिज होनेस्टी, उसकी ईमानदारी से। ही गेव ऑल द थ्री एग्स टू द वुडकटर, और उन्होंने उस लकड़हारे को तीनों कुल्हाड़ियाँ दे दी। द वुडकटर वॉज वेरी हैप्पी, लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। वुडकटर थैंक्ड द गॉड, और लकड़हारे ने पानी के देवता को धन्यवाद दिया। इस कहानी से हमको जो शिक्षा मिलती है, मोरल है हमारा, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, मतलब आपकी ईमानदारी एक बहुत अच्छी कह सकते हो आदत है, और इसे आप अपनाएं, इस कहानी को सीखें और आगे अपने यूज़ करें। थैंक यू।